तो आज बेसिकली मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और कुछ बताना भी चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है, मैं आज तुर्की में खड़ा हूँ, इस्तांबुल में हूँ। आज मैं विज़िट के लिए आया हूँ। बेसिकली मेरा सिर्फ ये मकसद है बताने का कि ज़िंदगी में ना, जब कोई इंसान सपने देखता है ना, या फिर कोई कुछ करना चाहता है, या फिर कोई इसके अंदर जो चाहत होती है ना कुछ करने की, तो अगर वो इच्छा रखता है ना अपने अंदर ख्वाहिश रखता है कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की, या फिर कुछ ऐसी जगह घूमने की, तो वो इंसान जो है ना, उसके आसपास के लोग और उस कायनात उसकी मदद करती है जब इंसान सोचता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी सोचता था कि मैं दूसरे कंट्रीज़ में आऊँगा, बाहर दुनिया में आऊँगा और देखूँगा इतनी चीज़ों को और आसपास के लोगों को देखूँगा। मेरे अंदर का एनवायरनमेंट मुझे बताता था कि कैसे करना है, कायनात कैसे काम करती है। अगर मैं सपना सोचता हूँ ना और सपने देखूँगा, तभी तो ये चीज़ कर पाऊँगा। और आज मैं अपने सपनों के कुछ हिस्से को जी रहा हूँ। मेरी ये ख्वाहिश थी, जब मैं छोटा था ना, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि यार मुझे दुनिया देखनी है, मुझे दुनिया की सैर करनी है। उस रब ने कितनी चीज़ें बनाई हैं उस दुनिया में, कितनी नई नई चीज़ें बनाई हैं। तो आज मैं अपने कुछ सपनों को जी पा रहा हूँ। मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ना, जब आप कुछ सोचते हो ना या कुछ करना चाहते हो, अगर आपके अंदर से वो ख्वाहिश आती है ना, दिल से आती है, तो वो आप ईज़िली कर सकते हो और ईज़िली पा सकते हो वो चीज़ें। क्योंकि जब इंसान कोई चीज़ सोचता है ना, तो उसके जो आसपास की जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अब जैसा कि मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, मैं सोचता था कि यार मैं कभी इस दुनिया को घूमूंगा, मैं सोचता था कि मैं कभी पाकिस्तान से बाहर भी निकलूंगा और कभी भी मैं ऐसी नई नई चीज़ों को देख पाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर यार, इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर, नई नई चीज़ें देखने की, जो मेरे जो मुल्क में था ना, वैसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मुझे पता चलता कि यार दुनिया ऐसी भी होती है, ऐसे भी काम करती है, मतलब नई नई चीज़ें बिल्कुल हमारे आसपास की। जब अब इंसान सपने देखता है ना, जब इंसान सोचता है कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है, तो तभी उसकी तरफ से जो चीज़ें होती हैं ना, जो रिज़ल्ट आते हैं, जब इंसान सोचेगा, मेरी बात पर गौर करेगा, जब इंसान सोचता है। हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो इतना बड़ा सोचते नहीं कि हम दुनिया घूमेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ सैर करेंगे, हम ये चीज़ें करेंगे, अपने सपने नहीं बनाते। लोग कहते हैं कि सपने बनाना बहुत गलत बात होती है, जो इंसान सपने देखता है ना, वो ख्याली पिलाव बनाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब इंसान कुछ देखता है, कुछ सपने बनाता है, या फिर कुछ बड़ा करने की सोचता है ना, तब वो कर भी पाता है। एग्जैक्टली, मैंने सोचा था कि यार मैं कभी जो है ना दुनिया घूमूंगा, कभी जो है मैं पाकिस्तान से बाहर निकल के ऐसी ऐसी चीज़ें देखूंगा जो यार मेरे उस वक्त जब मैंने सोचा था ना ये चीज़, उस वक्त मेरे आसपास के लोग और मुझे कहते थे कि यार तुम बेकार की चीज़ें सोच रहे हो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं उनको बताता था ये चीज़ें। लेकिन यार मुझे अपने आप पर भरोसा था कि मैं कुछ कर जाऊँगा, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जब मैं सोचता था कि मैं यार दुनिया घूमूंगा, मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ बड़ा कर सकता हूँ, और ये अपने जो आसपास के लोग हैं ना, मैं वो उनकी बात नहीं सुनना था, मैं अपने आप की सुनता था सिर्फ। मैं जब ये सोचता था कि यार मैं जो है आगे जाऊँगा, मैं इतनी नई नई चीज़ें देखूँगा, अपने आप पर भरोसा करता था, उसके बाद अपने सपने पर भरोसा करता था। मेन चीज़ अपने सपने पर भरोसा करना है, क्योंकि जब आप अपने सपने पर भरोसा करते हो ना, तो यार आपकी जो हर चीज़ ना आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। जो ये कायनात है ना, ये जो आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। जी हाँ, मैं इसकी एक आपके लिए एक लाइफ एग्जांपल हूँ। मेरी सिर्फ इस वीडियो का बनाने का ये मकसद है, जब इंसान आप सपने देखते हो ना, तो सपने ज़रूर पूरे होते हैं, सपने होते हैं पूरे। कुछ ही दिनों पहले की बात है, कुछ सालों के पहले की बात है, कि मैं जो है यार, मैंने एक दफ़ा अपने एक सपने पर लिखा था कि मेरा एक सपना था कि मैं क्रूज़ में जाऊँगा, एक सपना मेरा ये भी था। तो अभी 2-3 दिन पहले मैं एक क्रूज़ में अपना डिनर कर रहा था। जी हाँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप अपने सपने को सोचते हो ना, कुछ बड़ा सोचते हो जो आपकी औकात से कहीं ऊपर है, तो कायनात में कुछ ना कुछ है ऐसी चीज़ें जो आपके लिए मदद करती हैं, जो आपको ना आगे लेकर जाती हैं, अगर आप भरोसा करते हो उस पर। और याद रखना दोस्त, आप जब सपने देखते हो ना, वो भी बड़े, अपनी औकात से कहीं ज़्यादा, जब आप अपने सपने दूसरों को बताते हो ना, तो वो ये सोचते हैं कि जब वो ये बोलेंगे कि सपने आपके बेकार हैं और तुम बहुत बड़ा सोच रहे हो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो याद रखना दोस्त, तुम्हारे सपने ज़रूर पूरे हो सकते हैं, अगर तुम उस पर भरोसा करते हो, अगर तुम उस पर यकीन करते हो ना, तो वो सपने ज़रूर पूरे होते हैं। मैं कभी सोचता था कि यार मैं कभी पाकिस्तान से बाहर निकलूंगा, मैं नई नई दुनिया देखूंगा। आप देख सकते हो कितनी ये सब चीज़ें ऐसी तो नहीं मिली, मैंने कभी सोचा था कि मैं कर सकता हूँ और मैं कुछ ना कुछ इन्जॉय कर सकता हूँ। तो आज मैं इस मुल्क को भी इन्जॉय कर रहा हूँ और आज इस लम्हे को भी इन्जॉय कर रहा हूँ। जी हाँ, आज इस लम्हे को भी इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इंसान सपने देखता है ना, सपने में इतनी ताकत है कि इंसान उसको अट्रैक्ट करता अपनी तरफ,
आपको जैसा कि मैंने बताया था, ये जो हमारा माइंड है ना, ये हमेशा अट्रैक्शंस को फॉलो करता है। जिस तरह की आपकी सोच होगी, जिस तरह के आपके सपने होंगे, आप उसी तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, उसी तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। जी हाँ, तो जब आप बड़ा सोचोगे ना यार, तो हमेशा बड़ी चीज़ें होंगी आपके साथ। टाइम लगता है, हमेशा टाइम लगता है। आपको एक बात बताऊँ, जब मैंने सपना बनाया था ना कि मैं यार दुनिया घूमूंगा, मैंने जब सपना बनाया था कि मैं क्रूज़ में बैठूंगा, तब उस वक्त टाइम क्या था आपको पता था? 2 साल पहले की बात थी। मुझे टाइम लगा, दो साल लगे मुझे, लेकिन जब उस सपने को मैंने लिखा ना पेज पर, मुझे पूरा भरोसा था कि कभी ना कभी ये सपना पूरा होगा, बिल्कुल होगा। और आज जब मैं ये देखता हूँ ना यार, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो से सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी आप सपने देखते हो ना, हमेशा कोशिश करो बड़े सपने देखो। जब आप बड़े सपने देखते हो ना, तो आपके अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि आप उस सपने को अपनी तरफ माइल कर सकते हो और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। याद रखना दोस्त, छोटे सपने मत देखना, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंसान छोटा बहुत सोचता है। जो इंसान सपने बड़े नहीं देखता ना, वो कभी भी बड़ा अचीव नहीं कर सकता। एक चीज़ मैं पढ़ रहा था, कामयाबी इंसान के बाहर नहीं, इंसान के अंदर होती है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान कामयाबी को बाहर देखता है। कामयाबी इंसान के बाहर नहीं होती, कामयाबी इंसान के अंदर होती है। इसलिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि सपने देखा करो यार, सपने हमेशा पूरे होते हैं, सपने सच में पूरे होते हैं यार, सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपनों पर बिलीव करो, और ड्रीम, बिलीव इन योर ड्रीम। हमेशा यकीन रखो कि जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, चाहे उस वक्त वो आपकी औकात से कई बाहर हो, लेकिन वो हमेशा पूरी हो सकती है, हमेशा पूरी हो सकती है, बिल्कुल पूरी हो सकती है, अगर आप अपने सपने पर भरोसा करते हो तो। याद रखना दोस्त, तो आप एक दफ़ा देख सकते हैं कि मैं कितनी अच्छी लोकेशन पर खड़ा हूँ। मैं कभी सोचता था कि ऐसी जगह पर मैं कभी आया करूँगा, ऐसी जगह को मैं कभी अपनी आंखों से देखूँगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये कैसी चीज़ें होंगी, लेकिन जब आप भरोसा करते हो ना, जब आप यकीन करते हो अपने आप पर, तो यार चीज़ें हो जाती हैं, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। बस आपको यकीन करना होता है। आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ होती है जिस पर आप यकीन करते हो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना कि आप कुछ कर भी सकते हो, तो बस मेरे कहने पर ये यकीन कर लो कि आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं, हमेशा पूरे हो सकते हैं, ज़रूर पूरे हो सकते हैं। बस आपको सिर्फ बिलीव करना है। इंसान को इस दुनिया में वही चीज़ मिलती है जिसकी चीज़ की वो बिलीव करता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने सपनों पर बिलीव करना है। इसलिए ऑलवेज बिलीव इन योर ड्रीम। सपने सच में पूरे होते हैं, बिल्कुल। आपके सामने मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ। मैंने सपना देखा था कि कभी ऐसा होगा, और आज ऐसा हो रहा है। तो इसलिए बिलीव इन योर ड्रीम, और हमेशा अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप पर। क्योंकि जब आप अपने आप पर भरोसा करते हो ना, तो कायनात में ऐसी पता नहीं कौन सी शक्ति है कि आपके सपने हमेशा पूरे होने लगते हैं, और आप खुद आगे बढ़ने लगते हो जब आप अपने आप पर भरोसा करते हो। इसलिए बिलीव इन योर ड्रीम्स।